हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। आपके साथ मैं हूं पूजा कवि। एक नजर खबरों पर। दिल्ली के जामिया इलाके में हुई हिंसा पर दिल्ली की सियासत गर्मा गई है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी नेता एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं। नेताओं की बयानबाजी में बिगड़े बोल भी सामने आए हैं। हिंसा के पीछे दिल्ली बीजेपी ने आम आदमी पार्टी को दोषी ठहराया। मनोज तिवारी ने एक वीडियो पोस्ट करते हुए घटना के पीछे आप विधायक अमानतुल्लाह खान का षड्यंत्र होने का आरोप लगाया। उन्होंने यहां तक लिख दिया कि यह घटना आपका पाप है। बीजेपी के महासचिव कुलजीत सिंह चहल ने तो आप विधायक को गुंडा तक कहते हुए दिल्ली पुलिस से तत्काल उन्हें गिरफ्तार करने की मांग कर डाली। वहीं आप पार्टी से बागी और बीजेपी में शामिल कपिल मिश्रा ने भी सोशल मीडिया पर इसे आतंकवादी हमला तक कह डाला। उन्होंने कहा कि सीएनजी सिलेंडर वाली बस में आग लगाने का मतलब है बड़े ब्लास्ट करने की साजिश। दिल्ली में गोधरा कांड भड़ाने की तैयारी है। मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक बयान जारी करते हुए कहा कि हिंसा की घटनाएं लगातार हो रही हैं। आप पार्टी के राज्यसभा सदस्य संजय सिंह ने कहा कि लोकतंत्र में हिंसा के लिए कोई स्थान नहीं है। आंदोलनकारियों को किसी भी तरह की हिंसा नहीं करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि भाजपा जब जब चुनाव हारने लगती है तो हिंसा का सहारा लेती है। जामा मिलिया इस्लामिया जेएनयू के छात्रों का प्रदर्शन तड़के 4 बजे तक जारी रहा। जैसे ही पुलिस ने 50 छात्रों की रिहाई की खबर दी वैसे ही छात्रों ने धरना प्रदर्शन खत्म कर दिया। हालांकि नए नागरिकता कानून के खिलाफ छात्रों का प्रदर्शन जारी रहेगा। छात्रों ने अब जामिया कैंपस के प्रदर्शन में जारी रखने का ऐलान किया है। जामिया मिलिया इस्लामिया कैंपस में दिल्ली पुलिस के आंसू गैस का प्रयोग और लाठीचार्ज विरोध करने पर छात्र संगठनों ने आज हड़ताल का ऐलान किया। ऑल इंडियन फोरम ऑफ सेव एजुकेशन ने घटना को शर्मनाक बताया। नागरिकता संशोधन बिल 2019 के संसद से पारित होने के बाद बीजेपी ने कांग्रेस समेत समूचे विपक्ष की ओर से शुरू किए गए सियासी विरोध का काउंटर करने की तैयारी शुरू कर दी है। इसके तहत सभी प्रदेशों में प्रदेश सरकार और संगठन मिलकर लोगों को यह बताएंगे कि आखिर यह बिल क्यों लाया गया। इसमें सबसे प्रमुख बिंदु भारतीय मुसलमानों की नागरिकता को लेकर विपक्ष की ओर से फैलाए जा रहे भ्रम को दूर करना होगा। इस काम को बीजेपी और सरकार दोनों के स्तर से गोष्ठियां प्रेसवार्ता और अन्य कार्यक्रमों की मदद से किया जाएगा। सोशल मीडिया की मदद से भी लोगों तक बीजेपी अपनी बात को पहुंचाएगी। देश की राजधानी में 16 दिसंबर 2012 को ही हैवानियत ने मानवता का शर्मसार किया था लेकिन आज पूरे 7 साल बीतने के बाद भी निर्भया के उन दोषियों को सुनाई गई सजा को अंजाम तक नहीं पहुंचाया जा सका। बेटी के साथ हुई दरिंदगी पर निर्भया की मां ने कहा कि मुझे भगवान पर भरोसा है लेकिन मैं चाहती हूं कि मेरी बेटी के दोषियों को निर्धारित समय में फांसी दी जाए ताकि उसे जल्द से जल्द न्याय मिल सके। निर्भया की मां ने कहा कि 16 दिसंबर 2012 को दिल्ली ने मेरी बेटी को हमेशा के लिए छीन लिया था। उसे न्याय दिलाने के लिए मैं अपनी लड़ाई जारी रखूंगी। झारखंड में विधानसभा के चौथे चरण की 15 विधानसभा सीटों के लिए आज सुबह मतदान शुरू हो गया। इस चरण में कुल 221 प्रत्याशी मैदान में हैं। इसमें राज्य के दो प्रमुख नेताओं श्रम मंत्री राज पालीवार और भूमि और राजस्व मंत्री अमर कुमार बौरी के भाग्य का फैसला होगा। चंदन कियारी सीट से बीजेपी के बौरी का मुकाबला एनडीए के अलग से आजसू के उम्मीदवार उमाकांत रजक से है। वहीं पालीवार का मुकाबला मधुपुर सीट पर जेएमएम के उम्मीदवार हुसैन अंसारी से है। महाराष्ट्र चुनाव के बाद एक बार फिर से सावरकर का मुद्दा उठ खड़ा हुआ है। बसपा प्रमुख मायावती ने कांग्रेस पर निशाना साधते हुए उसे नाटकबाजी करार दिया। इस बीच सावरकर के पोते रंजीत सावरकर भी इस लड़ाई में कूद पड़े और उन्होंने राहुल पर आपराधिक कार्रवाई करने की सरकार से मांग की है। केंद्रीय मंत्री रामदास अठावले ने शिवसेना को महाराष्ट्र में कांग्रेस के साथ गठबंधन तोड़ने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी वीर सावरकर को देशभक्त नहीं मानते हैं। अठावले ने कहा कि राहुल गांधी की सावरकर पर टिप्पणी के कारण कांग्रेस और शिवसेना के बीच दरार पैदा हो गई है। राहुल गांधी के इस बयान के बाद शिवसेना प्रवक्ता संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी के बयान से इतिहास नहीं बदलेगा। राहुल को सावरकर के बारे में पढ़ने की नसीहत देते हुए राउत ने कहा राहुल इतिहास के पन्ने नहीं फाड़ सकते हैं। कर्नाटक में 2 और उप मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा जल्द कैबिनेट का विस्तार करने वाले हैं। 20 दिसंबर के बाद इसकी घोषणा हो सकती है।
कैबिनेट में पहले से ही तीन उप मुख्यमंत्री गोविंद कारजोल, सीएन अश्वनाथ नारायण और लक्ष्मण सवादी हैं। हालांकि सवादी ने इसे मीडिया की अटकलें बताते हुए इस पर चर्चा से इंकार किया। नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ जहां देश के कई हिस्सों में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, तो वहीं लंदन में भी भारतीय उच्चायुक्त के बाहर प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने इसे मोदी सरकार की विफलता करार दिया। ब्रिटिश असमिया समुदाय के एक समूह ने शांतिपूर्ण तरीके से अपने पारंपरिक परिधान पहनकर बच्चों के साथ प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर लोग असमिया और अंग्रेजी भाषा में लिखी तख्तियां दिखाते हुए नजर आए। इसमें लिखा था सेव डेमोक्रेसी स्टॉप कैब। प्रदर्शन के दौरान नागरिकता संशोधन अधिनियम के खिलाफ नारेबाजी भी की गई। एक प्रदर्शनकारी ने कहा, असम एकजुट है और कैब विभाजनकारी है। विभाजन को ना कहिए, एकता को हां कहिए। नेपाल में एक दर्दनाक हादसा हो गया है। सिंधुपाल चौक जिले में एक हादसे में 40 यात्रियों से भरी एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई। इस हादसे में 14 लोगों की मौत हो गई जबकि 19 लोग घायल हैं। देशभर में 16 दिसंबर को विजय दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। यह दिन भारत पाकिस्तान 1971 के युद्ध की याद में मनाया जाता है। 26 जुलाई को भी कारगिल विजय दिवस मनाया जाता है, लेकिन ये दोनों ही विजय दिवस भारत पाक युद्ध के लिए शौर्य की गाथा का बखान करते हैं। साल 1971 के युद्ध में भारत ने पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी थी, जिसके बाद पूर्वी पाकिस्तान आजाद हो गया, जो आज बांग्लादेश के नाम से जाना जाता है। इस युद्ध में करीब 3,900 भारतीय सैनिक शहीद हो गए थे, जबकि 9,851 घायल हो गए थे। ये युद्ध भारत के लिए ऐतिहासिक और हर देशवासी के दिल में उमंग पैदा करने वाला साबित हुआ। प्रदेश के कैबिनेट मंत्री बनवारी लाल ने हिसार के आदर्श सिनेमा ग्राउंड में आयोजित समारोह में शिरकत की। इस दौरान बनवारी लाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने एक दिन का विशेष सत्र बुलाया था, जिसमें संविधान पर खुलकर चर्चा की गई। साथ ही यह भी फैसला लिया गया कि पूरे महीने संविधान दिवस मनाया जाएगा। मंत्री बनवारी लाल ने कहा कि माता पिता अपने बच्चों को ज्यादा से ज्यादा पढ़ाएं, जिससे वो बाबा साहब के बारे में जान सकें। वही कार्यक्रम के दौरान समस्त अम्बेडकरवादी समाज सभा की ओर से मंत्री बनवारी लाल के सामने अपनी मांगों को रखा, जिसमें हरियाणा सरकार में SC/ST नौकरी का बैकलॉग पूरा करना और SC/ST के छात्रों से दाखिले के समय जो राशि ली जाती है उसे वापस करने की भी बात सामने आई। सोनीपत में जिला कष्ट निवारण समिति की ओर से बैठक की गई। इस बैठक में प्रदेश के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा ने शिरकत की। इस बैठक में लोगों की ओर से की गई दर्जनों शिकायत पर सुनवाई भी हुई है। बैठक में परिवहन मंत्री के साथ साथ लड़ाई के विधायक और गन्नौर के विधायकों ने भी शिरकत की। इस दौरान स्थानीय प्रशासन भी बैठक में मौजूद रहा। शहर की आबादी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है, साथ ही अपराधी घटनाएं भी बढ़ रही हैं। ऐसे में शहर में नगर परिषद की ओर से लगाए गए ज्यादातर CCTV कैमरे खराब पड़े हैं, जिसके चलते शहर की सुरक्षा राम भरोसे है। सुरक्षा को देखते हुए नगर परिषद अब 4 करोड़ की लागत से 16 CCTV लगाने की बात कह रहा है। इससे पहले व्यापार मंडल ने 9 जगह पर CCTV लगाए थे, लेकिन इन कैमरों का लाभ पुलिस प्रशासन को नहीं मिल पा रहा। कैमरे लगने के बाद पुलिस प्रशासन को आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने के लिए आसानी होगी। नगर परिषद XM सुंदर ने कहा कि कैमरों की मॉनिटरिंग पुलिस द्वारा की जाएगी और कंट्रोल रूम लघु सचिवालय में बनाया जाएगा। टोल टैक्स पर फास्टैग लागू होने की तारीख को आगे बढ़ा दिया गया है। अब 15 जनवरी से टोल बूथों पर फास्टैग लागू किया जाएगा। वहीं इस फास्टैग को समझने के लिए लोगों को काफी समस्याएं हो रही हैं। लोगों का कहना है कि इसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी नहीं है। फास्टैग को लेकर मिलीजुली प्रतिक्रिया भी सामने आने लगी है। कुछ लोगों का कहना है कि फास्टैग का सिस्टम गाड़ियों के आने जाने के समय में वृद्धि कराएगा, वहीं कुछ लोग इसको महंगा बता रहे हैं। पूर्व राज्य मंत्री कृष्ण बेदी ने कुरुक्षेत्र के वाल्मीकि धर्मशाला पहुंचकर कई विकास कार्यों का शिलान्यास किया। कृष्ण बेदी ने इस मौके पर मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि वाल्मीकि धर्मशाला में पिछली सरकार के कार्यकाल में कुछ अनुदान राशि दी गई थी, उसी संबंध में शिलान्यास किए गए हैं। इस मौके पर मुख्यमंत्री के राजनीतिक सलाहकार कृष्ण बेदी ने कांग्रेस की भारत बचाओ रैली और राहुल गांधी के बयान पर भी जमकर निशाना साधा। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने सोमवार को कैथल का दौरा किया। इस दौरान उन्होंने राइस मिलिंग क्लस्टर का उद्घाटन भी किया। बता दें कि जो स्कीम हरियाणा के अंदर चलाई गई है उसमें 10 लोगों ने मिलकर वन स्टॉप सेंटर बनाया है, जिसको देखते हुए केंद्र सरकार पूरे देश के लिए इस तरह के मेगा प्रोजेक्ट की बेहतर काम करेगा। और ग्लोबल मार्केट को पूरा करने के लिए चावल की जो क्वालिटी है, खासकर बासमती चावल की क्वालिटी को भी बेहतर किया जाएगा।
इस दौरान पेंशन बढ़ाए जाने के सवाल पर डिप्टी सीएम ने कहा कि गृहमंत्री अनिल विज की अध्यक्षता में अनुविधानक और तीन विधायकों ने मिलकर इस पर चर्चा की है। इसी महीने इस पर एक और बैठक की जाएगी और अभी जल्द ही जल्द से जल्द दूर किया जाएगा। नागरिकता बिल पर दशन ने कहा कि पाकिस्तान का एक पूर्व सांसद हरियाणा में काफी सालों से सब्जी रेहड़ी लगाकर गुजारा कर रहा है लेकिन उसे नागरिकता नहीं मिली है। लेकिन अगर दूसरे देश से कोई माइनॉरिटी यहां आकर रहना चाहता है तो उसे नियम के मुताबिक नागरिकता देना गलत नहीं है। खबरों में वक्त ब्रेक का है, जय लौटेंगे। स्वागत है आप सभी का खबर नारनौत से, जहां पर बदमाशों के हौसले इन दिनों बुलंद होते दिखाई दे रहे हैं। दरअसल कल रात नारनौत के खांडा मोड़ पर कुछ बदमाश राहुल नाम के एक युवक को 7 गोलियां मारकर मौके से फरार हो गए। फिलहाल पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमार्टम के लिए हिसार भिजवा दिया है और मामले की जांच शुरू कर दी है। प्रदेश में हुई बारिश और पहाड़ों में हुई बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में दिखने लगा है। प्रदेश भर में ठंड का कहर देखने को मिल रहा है, ठंड ने लोगों की मुसीबत को और बढ़ा दिया। बढ़ती ठंड से लोगों को राहत देने के लिए फिलहाल सूर्यदेव भी खुश नजर नहीं आ रहे हैं। हल्की धूप और बादलों ने ठिठुरन को और बढ़ा दिया है, लोगों को राहत के लिए आग का सहारा लेना पड़ रहा है। कुरुक्षेत्र के शहबाद मारकंडा उपमंडल में एंटी नार्कोटिक सेल ने सेक्स रैकेट का भंडाफोड़ किया। इस दौरान 4 महिलाओं समेत एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया। दरअसल कुरुक्षेत्र के एंटी नार्कोटिक्स डिपार्टमेंट को यह सूचना मिली थी, शहबाद में देह व्यापार का धंधा चल रहा है, जिस सूचना के आधार पर जाल बिछाया गया। 5 आरोपियों को आपत्तिजनक अवस्था में धर दबोचा गया, पुलिस ने सफलता हासिल कर ली है। सभी पकड़े गए लोगों का मेडिकल कराकर उन्हें जल्द कोर्ट में पेश किया जाएगा। प्रदेश में अचानक बड़ी ठंड ने जहां लोगों की मुसीबत बढ़ा दी है तो वहीं इस ठंड से किसानों के चेहरे खिल उठे हैं। किसानों का कहना है कि ठंड बढ़ने से उनकी फसलों को फायदा पहुंचेगा। महेंद्रगढ़ क्षेत्र के किसानों ने अपने खेतों में सरसों, गेहूं, चना और कई सब्जियां बिजाई हुई हैं। किसानों का कहना है कि 5 दिन पहले ठंड कम होने के कारण फसलों की ग्रोथ रुक गई थी लेकिन अचानक पड़ी ठंड से एक बार फिर से फसलों की अच्छी ग्रोथ हो रही है। किसानों का कहना है कि ठंड बढ़ने से फसलों की अच्छी पैदावार होगी। शहीद दिवस के मौके पर आज सिरसा के लघु सचिवालय से शहीद स्मारक पर शहीदों को फूल माला पहनाकर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर पुलिस के जवानों की टुकड़ी ने सलामी दी और बिगुल बजाकर शहीदों की शहादत को सलाम किया। जिला सैनिक और अर्धसैनिक कल्याण बोर्ड की ओर से आयोजित इस कार्यक्रम में प्रशासन की ओर से उपायुक्त अशोक कुमार गर्ग ने बतौर मुख्य अतिथि शहीदी स्मारक पर पुष्प अर्पित कर श्रद्धांजलि दी। साथ ही जिला सैनिक कल्याण बोर्ड के सचिव करनाल दीप डागर ने भी पूर्व सैनिकों की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित की। देश के सभी नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर अब फास्टैग अनिवार्य हो गया है लेकिन गुरुग्राम की खिड़की दौला टोल पर सोमवार की सुबह ऐसे वाहनों की लंबी कतारें देखने को मिली जिन पर फास्टैग लागू ही नहीं था। इस दौरान टोल कर्मियों और वाहन चालकों के बीच बहस भी हुई जिसके बाद टोल प्रबंधन की तरफ से टोल को कुछ देर बाद कई बार फ्री भी करना पड़ा। गुरुग्राम में जाम के हालातों को देखते हुए टोल प्रबंधन की तरफ से कई नए कदम भी उठाए जाए हैं ताकि लोगों को जाम में ना फंसना पड़े। इसके लिए टोल पर जागरूकता अभियान भी चलाया जा रहा है और जिस वाहन पर फास्टैग नहीं लगवाया गया है उससे 2 गुना टैक्स वसूल किया जा रहा है। बैंकॉक थाईलैंड में आयोजित एशिया पैसिफिक यूनाइटेड जूनियर बैडमिंटन चैंपियनशिप में भारत ने गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन किया। भारतीय टीम का नेतृत्व करने वाले सैम ग्रोवर का हांसी पहुंचने पर लोगों ने फूल मालाओं और नोटों की माला के साथ जोरदार स्वागत किया। सैम ग्रोवर ने बताया कि इस बैडमिंटन चैंपियनशिप में उन्होंने मलेशिया, थाईलैंड के खिलाड़ियों को हराकर स्वर्ण पदक जीत लिया है। वहीं हल्का विधायक विनोद भयाना ने भी बेटे का सम्मान किया और कहा कि सैम ग्रोवर ने गोल्ड जीतकर गांव और देश का नाम रोशन किया और यही कामना है कि आगे भी देश के लिए इस तरह से खेलते रहें। फतेहाबाद में अपनी मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर हैं। कर्मचारियों ने नगर परिषद के अंदर नगर परिषद के प्रधान दर्शन नागपाल समेत नगर परिषद के अधिकारियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। कर्मचारियों का कहना है कि नगर परिषद प्रशासन उन्हें कूड़ा उठाने के लिए रिक्शा उपलब्ध नहीं करवा रहा है। इसके अलावा सफाई कर्मचारियों को ना ही वर्दी दी जा रही है और अपनी इन्हीं मांगों को लेकर सफाई कर्मचारी हड़ताल पर बैठे हैं।
हड़ताली कर्मचारियों ने चेतावनी देते हुए कहा है कि अगर उनकी मांगे पूरी नहीं हुई तो वो जिला स्तर पर धरना देंगे। प्रदेश में चोरी की वारदातें बढ़ती जा रही हैं, आए दिन चोरी की घटनाएं सामने आने लगी हैं। ऐसी ही चोरी के मामला राई के गांव नाथुपुर से सामने आया, जहां चोरों ने देर रात चोरी की वारदात को अंजाम दिया। चोरों ने मोबाइल की दुकान पर हाथ साफ कर लिया है, चोर मोबाइल की दुकान से हजारों का सामान लेकर फरार हो गए। चोरी की पूरी घटना सीसीटीवी में कैद हो गई, पुलिस सीसीटीवी कैमरे खंगाल रही है, साथ ही मामले की जांच कर रही है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन साल 2020-21 के बजट में अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए सेक्टोरियल इन्वेस्टिगेशन के लिए तैयार है। दरअसल अर्थव्यवस्था के पुनर्जीवित करने के लिए नीति और वित्तीय प्रोत्साहन की श्रृंखला के बाद मंत्री अब केंद्रीय बजट पर प्रस्तुत करने पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं, जो सिर्फ 45 दिन बाद होगा। निर्मला सीतारमन ने कहा कि मुझे उम्मीद है कि नीतिगत हस्तक्षेप जल्द ही परिणाम देने के लिए शुरू कर देंगे। अलग अलग क्षेत्रों में संबंध में हमने मांगों के अनुरूप दखल दिया है, मैं इन कदमों के परिणामों को देखते हुए उत्सुक हूं। हर सोमवार से बजट पूर्व परामर्श शुरू कर रहे हैं। ऑटो सेक्टर अभी भी संकट से बाहर नहीं निकल पाया है। पिछले एक साल के दौरान तमाम ऑटो कंपनियों को मंदी की वजह से छटने जैसे कदम उठाने पड़े, लेकिन इस दौरान टाटा मोटर्स में सभी कर्मचारियों की नौकरी सुरक्षित रही। दरअसल ऑटो इंडस्ट्री में सुस्ती की वजह से आशंका जताई जा रही थी कि टाटा कंपनी भी कर्मचारियों की छटनी कर सकती है, लेकिन अब कंपनी ने साफ कर दिया कि इस तरह का कोई कदम उठाने का कोई प्लान नहीं है। नागरिकता संशोधन कानून का विरोध देशभर में हो रहा है। नागरिकता संशोधन कानून के विरोध को लेकर बॉलीवुड एक्ट्रेस कोंकणा सेन ने दिल्ली पुलिस की निंदा की है। एक्ट्रेस कोंकणा सेन ने ट्विटर पर लिखा, दिल्ली पुलिस को शर्मानी चाहिए, हम छात्रों के साथ हैं। कोंकणा के इस पोस्ट का कई सारे यूजर समर्थन भी कर रहे हैं। बिग बॉस और सिद्धार्थ शुक्ला के फैंस के लिए एक बड़ी खुशखबरी है। शो के सबसे पॉपुलर और स्ट्रांग कंटेस्टेंट सिद्धार्थ शुक्ला अपना इलाज कराने के बाद बिग बॉस के घर में दोबारा एंट्री कर चुके हैं। सिद्धार्थ के शो में वापसी करने से कंटेस्टेंट शहनाज गिल काफी खुश नजर आई। बिग बॉस शहनाज गिल को कन्फेशन रूम में बुलाते हैं, जहां सिद्धार्थ शुक्ला पहले से ही मौजूद होते हैं। सिद्धार्थ को घर में वापस देखकर शहनाज काफी खुश नजर आई। रविवार को वीकेंड वॉर में बिग बॉस के एक्स कंटेस्टेंट प्रियांक शर्मा और हिना खान पहुंचे, दोनों अपने सॉन्ग रांझना को प्रमोट करने यहां पहुंचे। हिना खान ने प्रमोशन के दौरान जब सलमान को बताया कि यह गाना अरिजीत सिंह ने गाया है तो वे चौंक गए, लेकिन बाद में उन्होंने ये गाने की काफी तारीफ की। दरअसल रांझना गाने को अरिजीत सिंह ने गाया है। अरिजीत सिंह के साथ सलमान खान का विवाद सबको याद है। अरिजीत से विवाद के बाद सलमान खान ने अपनी किसी फिल्म का गाना उन्हें गाने नहीं दिया। सुपरफास्ट 100 में फिलहाल के लिए इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।